नमस्कार। बॉन्ड मार्केट्स ये जितने फैसिनेटिंग है उतना ही इसको ध्यान देने के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है, और इसके जो बारीकियां हैं वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको एंजॉय नहीं करेंगे। और आज का विषय, हमने जो पिछला वीडियो जब ख़त्म किया था तब हमने बोला था कि अगर आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, दोनों एक एक साल के ही मैच्योरिटी के हैं लेकिन उसका अलग अलग कैश फ्लोज़ हैं, तो आप कौन सा पसंद करेंगे, और हमने एक वेटेड एवरेज का जस्ट एक बात छोड़ दी थी। तो उस विषय को जाने के पहले एक और विषय समझना आवश्यक है और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ये अपने सामने कुछ बॉन्ड्स हैं, अगेन जो ये श्रृंखला पहले से देख रहे हैं वो ये चीज़ें फटाफट पकड़ लेंगे, और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको इसमें से कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसलिए बॉन्ड आपकी परीक्षा लेता है, बॉन्ड आपका पूरा कंसंट्रेशन आपको उसमें डालना पड़ता है, पूरा तन मन से उसमें बैठना पड़ता है, सिर्फ कुछ तो भी पढ़ लिया हो गया। सच मानिए डेरिवेटिव्स भी इतना आपको अटेंशन नहीं लेगा जितना बॉन्ड मार्केट, क्योंकि डेरिवेटिव प्लस माइनस ही होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, कॉल पुट, इन द मनी, एट द मनी। लेकिन बॉन्ड मार्केट में वो जो डिस्काउंटिंग है, कंपाउंडिंग है, कैश फ्लोज हैं, तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है उसमें, और तभी आप उसमें से फिर जो बाहर निकलता है। एंड दैट इज़ वाई एक अच्छा बॉन्ड इन्वेस्टर ये किसी भी एसेट क्लास में अच्छा इन्वेस्टर बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी सोच सोच के समझ। देखिए, सोचने के लिए तो बॉन्ड ज़्यादा आसान है इक्विटी से, क्योंकि इक्विटी में यही नहीं पता कि डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो क्या डिस्काउंट करेंगे। बॉन्ड देखा जाए तो आसान है, आपको पता है कूपन कब कब मिलने वाला है, वो कूपन को डिस्काउंट करो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, इतना आसान है। लेकिन अगर आप उसके अंदर जाएंगे, पढ़ाई करने के हिसाब से देखेंगे, और आज हम वो देखेंगे, एक अब तक तो वही करते आ रहे हैं, हम बॉन्ड मार्केट में काफ़ी अंदर तक आ गए, इसलिए ये वीडियो एकदम से मत देखिए, पहले वीडियो से धीरे 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 आइए। ये वो विषय है जो आपको धीरे 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 समझ में आता है, आपको जिसके अंदर खींचा जाना पड़ता है, वो अपने आप से आपको अट्रैक्ट करने वाला विषय नहीं है, पर आप जब उसके पीछे लगेंगे तब आपको उसमें से एक एक बारीकी उसमें से आपको निकलते जाएगी। आज हम ऐसा ही एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि तो आप ये वीडियो पहला देख रहे हैं तो एकदम से मत देखिए, नहीं तो आप फिर कभी बॉन्ड में आएंगे ही नहीं, इसलिए पहले वीडियो से देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम पहले, यानी बॉन्ड की बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि इन्वर्स रिलेशन, यील्ड ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड प्राइस नीचे आते हैं, हमने पहले वीडियो से देखा है, अब तक सबको पता है। आज हम ये देखेंगे यील्ड जितना ऊपर जाता है और जितना नीचे जाता है, प्राइस का मूवमेंट उतना ही ऊपर नीचे या ऊपर होता है या कुछ और होता है। तो ये बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, एक बार सुनते बराबर नहीं समझ में आता, लेकिन पुश कीजिए अपने आप को कि यील्ड है, यील्ड अगर जितना ऊपर गया उतना ही अगर यील्ड नीचे भी जाता है, यानी ऐसा पकड़ लो, तो बॉन्ड के प्राइसेस में जो मूवमेंट आती है वो उतनी ही मैग्नीट्यूड की होती है या कुछ अलग होती है। अगर सेम होती है तो क्यों सेम होती है, अलग होती है तो क्यों अलग होती है। तो अभी हम आज ये करेंगे, आपके सामने एक चार्ट है, पहले समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है। एक बॉन्ड है, फ्रीक्वेंसी 2 बेसिस 4 स्टैंडर्ड है, फेस वैल्यू 2, सेटलमेंट डेट 29 मार्च 2001 का इसका सेटलाइन है, आज की डेट ये पकड़ के चलो कि 29 मार्च 2001 है। अब अलग अलग बॉन्ड्स हैं, अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स हैं और अलग अलग कूपन्स हैं, ये तो सबके लिए सेम रहेगा, फेस वैल्यू 100 सबके लिए सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी 2 बेसिस 4 सबके लिए सेम रहेगा, और आज की डेट तो आज की डेट है, वो तो सबके लिए सेम ही रहेगी ये पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब इस तारीख को ये प्रॉपर्टीज़ वाले ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनकी मैच्योरिटी अगस्त 2001, 2002, 4, 5, 6, 7, 8, ये अलग अलग डेट्स हैं और इनके अलग अलग कूपन्स हैं। आपको अगर ये पता है और आज की सेटलमेंट डेट पता है तो ईयर फ्रैक फंक्शन से आप नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे हैं मैच्योरिटी के लिए ये आप निकाल सकते हैं। अब तक हमने बहुत बार कर लिया है, पुराने वीडियोज आप देख लीजिए। अब हमें करना क्या है ये पहले आप केवल Y3P3 वाले पे ध्यान दीजिए, केवल Y3P3 क्या है कि यील्ड
जो कूपन है वही यील्ड भी है, ऐसा हम पकड़ के चल रहे हैं समझने के लिए। अगर कूपन और यील्ड सेम रहेगा तो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि बॉन्ड 100 रुपये पे ट्रेड करेगा। दिस इज द स्टार्टिंग अजम्पशन। तो हर एक बॉन्ड, ये वाला जो भी बॉन्ड है उसका जो भी कूपन है वही उसका यील्ड भी हमने लिया है, और इसलिए स्टार्टिंग में सभी बॉन्ड प्राइजेस ये 100 रुपीज पे ट्रेड करेंगे। ये हो गया बेस पार्ट। अब यहाँ से आगे हम क्या कर रहे हैं कि यील्ड को, यानी कि ये वाली जो यील्ड है वाई एन ए यील्ड, यील्ड को अगर आपने 0.25 से कम किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11.75 जो कि आपका ये है, उसको आपने 0.25 से कम किया तो आपका यील्ड 11.5 आ रहा है। अब अगर यील्ड, कूपन तो यही रहेगा, अब अगर यील्ड कम हो गया, हमें इनवर्स रिलेशन पता है कि बॉन्ड अगर यील्ड नीचे आ गया तो बॉन्ड प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये प्राइस का फंक्शन है, ये प्राइस के फंक्शन में ये सारी चीज़ें डाल दी है, डॉलर का फंक्शन, एक पूरा वीडियो हमने डॉलर फंक्शन पे किया, इसलिए आज फिर से उसमें डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन ये अगर आप करेंगे तो प्राइस का 100 रुपये 0.5 पैसे, यानी कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया जब यील्ड कम हुए। ये ऐसे बाकी के भी सब है। हम अपने न्यूमेरिकल में आज वीडियो में 4 कैलकुलेशंस करेंगे एक्सट्रीम वाले। अगर यील्ड ये वाला यहाँ पे बढ़ गया, वो वहाँ पे बढ़ गया, और यानी चारों कॉर्नर्स के हम लोग करेंगे, बीच का फिर आप हम उसमें से निकाल सकते। तो लेट अस सी। मान के चलिए यील्ड यहाँ पे, सॉरी, यील्ड अपना हो जाएगा इन दिस के, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो भी बॉन्ड है कूपन है उसमें से आधा परसेंट से यील्ड कम किया, यहाँ पे 0.25 से कम किया था, यहाँ पे 0.5 से कम किया, तो इसलिए आपका यील्ड आ गया 11.25। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 11.75, तो 11.75 का 11.5 हो गया। ये कैलकुलेशन सब करके रखें, 11.25 का अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 11.25 जब हम, ये कौन सा बॉन्ड है ये भी ध्यान देना है कि ये 4.4 यानी कि आधे साल से कम में मैच्योर होने वाला बॉन्ड है। मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी यहाँ पे पता चलेगी। पिछले वीडियो के एंड में जो हमने बोला था कि आपको कौन सा बॉन्ड चाहिए, कम मैच्योरिटी जिसमें पैसा जल्दी आता है या बाद में आता है, वो भी मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी का ही कंसेप्ट है। तो बॉन्ड में मैच्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अगर आप यहाँ पे प्राइस का, अभी पूरा प्राइस का फंक्शन वो डॉलर फंक्शन कर सकते हैं, एक करके देख लेंगे। इज इक्वल टू प्राइस, सेटलमेंट डेट ये वाली है, सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट आपकी, ये मैच्योरिटी डेट है यहाँ पे आ रही है, कूपन रेट यानी कि कूपन रेट, ये बहुत बार किया है अब तक हमने, यील्ड ये अभी हमने ये वाला यील्ड किया, रिडेम्पशन यानी फेस वैल्यू पे, रिडेम्पशन पे कितना पैसा मिलेगा, फ्रीक्वेंसी 2 बेसिस 4, एंटर, तो ये 100 रुपये 15 पैसे इसका प्राइस आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट किया। सो दैट मींस ये बॉन्ड जो 0.4 इयर्स में एक्सपायर होने वाला है, मैच्योर होने वाला है, उसका यील्ड जब आधे परसेंट से कम होता है, उसका यील्ड जब आधे परसेंट से कम होता है तो उसका प्राइस 15 पैसे, या अगर आप 100 रुपया पकड़ लो तो आपका प्राइस 15 पैसे से बढ़ रहा है। ये वाला बॉन्ड का हमने कर लिया। ये हो गया एक पार्ट। यही कैलकुलेशन हम करेंगे, जैसा यील्ड आधा परसेंट कम होता है वैसे ही यील्ड अगर आधा परसेंट बढ़ा तो क्या होगा। बॉन्ड का प्रिंसिपल है, अगर यील्ड ऊपर गया तो बॉन्ड प्राइस नीचे आएगा। सो यहाँ पे यील्ड पहले बढ़ा देंगे, तो 11.75% में आप आधा परसेंट ऐड कर दो तो वो 12.25% हो गया, यील्ड बढ़ गया। फिर से वो प्राइस का फंक्शन है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो यहाँ पे हमने किए, वो फिर से करने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी पेस्ट करो तो 99.75। कहने का क्या मतलब है, बॉन्ड की कीमत थी 100 रुपये, अभी वो 99.75 रुपये, यानी कि यील्ड ऊपर बॉन्ड प्राइस नीचे। सो ये हमने ये दो कैलकुलेट किए, इसलिए इसको भी बोल्ड कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन तो कर रहे हैं हम, एनालिसिस इसके बाद आने वाला है। और अभी ये नीचे के दो करेंगे ना, यहाँ पे पहले एक बार देख लो कि 100 रुपये से 15 रुपये ऊपर या 99.95, तो 20 रुपया ऊपर प्राइस गया है यहाँ पे, और 20 रुपये नहीं सॉरी 20 पैसा
यहाँ पे 99 रुपये 95 पैसे था भाव, जब यील्ड आपके 0.5% से गिर गए तो आपके बॉन्ड की कीमत 20 पैसे से ऊपर गई है। कौन सा बॉन्ड? जो बॉन्ड आधे साल में 0.4 ईयर्स में मैच्योर होने वाला है। ये एक पार्ट। दूसरा कंक्लूजन, जब आपकी यील्ड 0.5% से ऊपर जाती है तब ये 0.4 ईयर्स वाला बॉन्ड, उसके बॉन्ड की कीमत 20 पैसे से नीचे आती है। दैट मीन्स फॉर द सेम चेंज इन यील्ड इन आइदर डायरेक्शन द बॉन्ड प्राइस इज मूविंग इन सेम मैग्नीट्यूड, 20 पैसा ऊपर 20 पैसा नीचे। ध्यान दीजिए, यील्ड दोनों में सेम हुआ है, 0.5% ऊपर नीचे, और उसी के कारण बॉन्ड की कीमत भी 20-20 पैसा ही ऊपर नीचे हुई है, यानी कि लीनियर है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे देखो, जब ये 12 साल का बॉन्ड है, ये तो आधे साल का बॉन्ड था, ये 12 साल का बॉन्ड है, इसको बोल्ड कर देंगे। अभी वही सारा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ गया 103 रुपये 17 पैसे, 103 रुपये 17 पैसे, यानी कि 100 रुपये का बॉन्ड था वो अभी 103 रुपये 17 पैसे हो गया, यानी 3 रुपये 17 पैसे से इसका भाव ऊपर गया। कब? जब इसका यील्ड 0.5% नीचे, कन्फ्यूज मत हो, ये समझना, ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं तो सारे कैलकुलेशंस कर भी नहीं रहा हूँ, हम सिर्फ कोने वाला कर रहे हैं, बाकी बीच का आपको उसमें से समझ जाएगा। तो जब यील्ड 0.5% नीचे गई, जब ये 12 साल वाला बॉन्ड है, यानी अब ये लॉन्ग टर्म वाला बॉन्ड हम ले रहे हैं, तो इसका भाव 3 रुपये से ऊपर जाता है। और अगर यील्ड 0.5% नीचे आती है तो आपका बॉन्ड 96 रुपीज़ 91 पैसे, यानी कि कितने से कम हुआ, पहले भाव 100 रुपया चल रहा था, अभी भाव 96 हो गया है, तो 3 रुपये 5 पैसे से आपका भाव कम हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे जो दोनों का सरीका था 20-20 पैसा, वो जैसा जैसा ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते जाएगा वैसा वैसा ये सरीका नहीं रहेगा। यील्ड भले ही उतने ही चेंज हुए, 0.5% नीचे 0.5% ऊपर, लेकिन उतने ही यील्ड चेंज के लिए ये बॉन्ड ऊपर ज़्यादा जा रहा है, 3.17% से ये बॉन्ड ऊपर जा रहा है, लेकिन उतना ही यील्ड अगर ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड 3.17% से नीचे नहीं जा रहा है, बॉन्ड 3.05% से नीचे जा रहा है। कहने का क्या मतलब है? बॉन्ड प्राइसेस आर नॉट मूविंग लीनियरली। यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा जिसको, ये अगर आप इसको एक ग्राफ में, ये बहुत सही ग्राफ नहीं है पर हमारा काम निकल जाएगा इसमें। तो इसमें आप देखिए, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है यहाँ पे डार्क ब्लू वाली, इसको अगर आप देखेंगे तो ये वो 11.75 वाली है, 11.75 यानी कौन सा, ये वाला 11.75 यानी ये वाला सबसे चार पॉइंट ने एक साल से कम वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मूवमेंट इसकी लगभग सट के है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो आखिरी वाला बॉन्ड है तो ऊपर 3.17 गया है और नीचे 96.91 गया है, यानी कि नीचे कम गिर रहा है ये बॉन्ड। नीचे हमने कैलकुलेशंस करके रखे हैं डिफरेंसेस के, आप ये देखिए, ये 20 पैसा सेम है, लेकिन यहाँ पे ये 3 रुपया 20 पैसा ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे केवल 3 रुपया 5 पैसे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है बॉन्ड के कंसेप्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका नाम है, यहाँ पे लिख लेंगे हम, कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है? बॉन्ड प्राइसेस, यील्ड ऊपर बॉन्ड प्राइस नीचे, यील्ड नीचे बॉन्ड प्राइस ऊपर, ऐसा लीनियर नहीं होता है। यील्ड जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ध्यान दीजिए, यील्ड जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड प्राइस ज़्यादा ऊपर मूव होगा, यानी कि स्टीप मूव होगा, लेकिन यील्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे बॉन्ड प्राइस वैसा वैसा फ्लैट रहेगा, यानी कि ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। सो ये एक कॉन्वेक्स शेप आता है, इस तरह से अगर आपको स्क्रीन में देखेंगे तो एक कॉन्वेक्स शेप आता है, और इसलिए उसको नाम दिया गया कॉन्वेक्सिटी। सो देयरफॉर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन बॉन्ड मार्केट्स। इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन और ये कॉन्वेक्सिटी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा दिखेगी। क्यों ज़्यादा दिखेगी? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, आप यील्ड कितने भी ऊपर नीचे कर लो, जैसे जैसे मैच्योरिटी के पास आएंगे वैसे वैसे वो टाइम पास ऑफ बॉन्ड में वो बॉन्ड का प्राइस 100 रुपये यानी फेस वैल्यू के रिडेम्पशन प्राइस के पास ही आने वाला है। तो यील्ड का ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे, चेंज इन यील्ड का ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा?
जितने ज़्यादा कैश फ्लोज रहेंगे और जितना ज़्यादा टाइम बचा रहेगा, तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा मैच्योरिटी रहेगा उतना ज़्यादा उसका ये वाला कॉन्वेक्सिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में हमने ये देखा। अब अगला पार्ट वो आता है कि इसमें एक और छोटा सा पार्ट है जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड के टाइम पे करना था, वो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी अभी कर लेंगे। एंड दैट इज़ कि ज़ीरो कूपन का जो अपना कंसेप्ट था उसमें हमने देखा था कि 0.5 ईयर्स का बॉन्ड है, 1 ईयर का बॉन्ड है, 1.5 ईयर्स का बॉन्ड है, 2 ईयर्स का बॉन्ड है, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर एक बॉन्ड आधे साल और एक साल के बीच में मैच्योर हो रहा है, मान के चलिए 0.6 ईयर्स या 0.7 ईयर्स या 0.25 ईयर्स, तो ऐसे सब बॉन्ड्स का जो यील्ड है वो कैसे कैलकुलेट होता है ज़ीरो कूपन में? तो वो प्रोसेस होती है इंटरपोलेशन की। तो आज हम ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे भी कर लेंगे इंटरपोलेशन के हिसाब से। एक अगर बॉन्ड है आपके साथ, आपके पास दो बॉन्ड्स हैं और ये दोनों के अगर आपको रेट्स पता है, तो यहाँ से आपको आप इंटरपोलेशन से कैसे निकालेंगे? सो एक ये बॉन्ड आपको दिया हुआ है 11.98% है, मैच्योरिटी 2004 की है और इसका प्राइस 111 रुपये चल रहा है, आज की तारीख है 2001। ध्यान दीजिए ये सिर्फ 0.5 ईयर्स या 1 ईयर या 1.5 का नहीं, जीरो कूपन यील्ड कर्व ये अप टू 40 साल की होती है, हमने वो वीडियो में देखा था। तो बीच के जो टेन्योर के बॉन्ड्स होंगे कि जो एग्जैक्टली उसका यील्ड नहीं मिल रहा है, तो वो लीनियर इंटरपोलेशन से हो सकता है और वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो सीधा सीधा है, आपके पास ये बॉन्ड के डिटेल्स हैं तो आप ये बॉन्ड का तो यील्ड निकाल सकते हैं, एक्सेल में यील्ड का फंक्शन ही होता है, इज इक्वल टू यील्ड करो, डेटा सब डाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यील्ड इतना चल रहा है। सिमिलरली ये वाले बॉन्ड का यील्ड भी आप निकाल सकते हो, क्या यील्ड का फंक्शन है, हमने बहुत बार किया है अब तक। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको चाहिए इंटरपोलेशन फॉर 3.5 ईयर्स। ये जो पहला बॉन्ड है, ईयर फ्रैक फंक्शन हमने आज तक बहुत बार यूज किया है, ईयर फ्रैक फंक्शन। तो ये जो पहला बॉन्ड है ये 3.1588 ईयर्स का इसका मैच्योरिटी है। ईयर फ्रैक फंक्शन कैसा यूज़ करते हैं हमने किया है, पहले भी किया है, इसलिए अभी उसमें टाइम नहीं डालेंगे। और ये जो दूसरा बॉन्ड है, आप यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ईयर फ्रैक फंक्शन से आपको ये पता चल रहा है कि ये मैच्योरिटी डेट के हिसाब से सेटलमेंट डेट ऊपर गई, तो इसके हिसाब से इसके 4.0 ईयर्स आ गए। तो 3.1 का पता है, 4.0 का पता है, 3.5 का निकालना है, ये आपको सीधा सीधा करना है। 3.1 ईयर्स का यील्ड क्या चल रहा है ये अभी हमने निकाला, 4 ईयर्स का यील्ड क्या चल रहा है ये हमने अभी निकाला। तो यील्ड हमने निकाल लिए, डेटा दिया है, ईयर फ्रैक से हमने ईयर्स निकाल लिए, ये अब हमें इसके बीच का निकालना है। तो इंटरपोलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सिंपल, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3.1 और 4.0। तो 4.0 में से आप 3.1 माइनस कर दो, माइनस कर दो, यहाँ पे हमने किया, कर सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 4.0 माइनस 3.1, तो ये आंसर आ गया इतने, ठीक है। ये दोनों में 0.92 ईयर्स का अंतर है। जैसा अंतर हमने टाइम में निकाला वैसा ही अंतर हम यील्ड्स में भी निकाल सकते हैं कि इन दोनों के यील्ड्स में कितना डिफरेंस है। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, इसका है 7.7 माइनस इसका है 7.6, तो ये आपका कुछ तो भी आएगा 0.0606। दैट्स मीन्स ये दोनों का यील्ड का भी डिफरेंस आ गया हमें, ये दोनों के ईयर्स का भी डिफरेंस आ गया हमें। अब आगे क्या करना है, नाउ यील्ड पर ईयर इज इक्वल टू ये जो आपने यील्ड निकाला है डिवाइडेड बाय ये जो 0.92 आपने निकाला है। तो व्हाट यू गेट, इसको परसेंट कर दो। सो व्हाट यू गेट इज, आपने क्या किया, यील्ड का डिफरेंस पता है आपको और ईयर्स का डिफरेंस पता है, यील्ड पर ईयर आप निकाल लो तो 0.0654। ये क्या आ गया 0.0654, इन दोनों के बीच में जो जितने नंबर, ये तो सब पॉइंट में है लेकिन हम फिर भी इसको एक्सप्रेस इन ईयर्स ही कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज द, वी हैव गॉट यील्ड पर ईयर। अब नाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 1.5 एंड
3, या तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो और प्लस करो, या तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो और माइनस करो। तो हमने यहाँ पे अभी प्लस किया है, तो डिफरेंस बिटवीन 3.5 एंड 3.15, इन दोनों में कितना अंतर है, तो इज इक्वल टू, सीधी सीधी बात है, 3.5 माइनस 3.15, सो 0.34, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये दोनों में का अंतर इतना है। अब अगर पर ईयर का यील्ड इतना है, तो इतने का यील्ड कितना होगा, पर ईयर यील्ड पर ईयर अगर 0.0654 है, तो यील्ड फॉर दिस मेनी ईयर्स कितना होगा, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू यील्ड पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय दोनों में का डिफरेंस कितना है, सो दैट कम्स टू 0.00, इसको परसेंटेज कर दो और डेसिमल बढ़ा दो, तो इतना है दोनों में का, तो इतना यील्ड आएगा। अभी आपका जो यील्ड पॉइंट हम अपने डिफरेंस किस में निकाला, 3.5 और 3.15 में, तो आखिरी स्टेप आपको केवल ये जो 3.15 का जो यील्ड है इसमें इज इक्वल टू, इसका जो यील्ड है 3.15 का, इसमें आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ये आखिरी वाला जो हमने अभी कैलकुलेशन किया 0.0233 वाला, आप अगर इसको इसमें ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 7.71, जो कि हमारा यहाँ पे आया है। तो यील्ड फॉर 3.5 इयर्स इज इक्वल टू 7.7141, दिस इज नोन एज इंटरपोलेशन, एकदम सिंपल है, लीनियर इंटरपोलेशन। दो पता है आपको, क्या किया हमने, आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, फ्रीक्वेंसी पता है, बेसिस पता है, डेट पता है, दोनों के पहले तो आपने यील्ड निकाल लिए, यील्ड निकाल लिए, ईयर फ्रैक से दोनों में का आपने, ईयर फ्रैक में से दोनों में का आपने डिफरेंस निकाल लिया, दोनों में का डिफरेंस यील्ड का दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, फिर यील्ड पर ईयर निकाल दिया, यील्ड पर ईयर को आपने इन दोनों में का डिफरेंस निकाला यील्ड का, और उसको उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, सिंपल। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो एक बार दो बार फिर से देखिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लीनियर इंटरपोलेशन हमें अगेन स्कूल में पढ़ाया जाता है, बस वही हमने यहाँ पे किया है। सो ये दोनों टॉपिक्स हमने आज के वीडियो में कवर किए, और जो एक विषय हमने पहले पूछा था कि अगर आपको एक बॉन्ड है जो एक साल बाद मैच्योर होने वाला है, और एक बॉन्ड है जो मैच्योर तो एक ही साल बाद होगा लेकिन जो कूपन बीच बीच में देगा, और एक है जो कूपन नहीं देगा, तो दोनों में से आपको कौन सा बॉन्ड पसंद आएगा, तो ये है वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको इसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर समझ में आया तो हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना आसान करके, पर आपको भी इसमें मेहनत डालनी पड़ेगी। तो आपको ये वीडियोज़ देख रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।